बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हाल में होंगे। आज के व्लॉग में हम बनाएंगे शिमला मिर्च और गोश्त। तो चलिए शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल डालेंगे, आप इसमें प्याज शामिल कर लेंगे, प्याजों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे, इन्हें अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें लहसुन शामिल कर लेंगे, गोश्त को मैंने हल्दी और नमक लगा के रखा था, अब हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसे अब हम फ्राई हो जाने तक पकाएंगे। थोड़ा सा हम सीकर इसमें शामिल करेंगे, तीन ढक्कन शामिल कर लेंगे। गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर लेंगे। अब हम डालेंगे बाकी मसाला जार, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे, थोड़ा सा सूखा धनिया डालेंगे, बाद में फिर डालेंगे। मेथी शामिल कर लेंगे, तीन खाने के चम्मच।
शिमला मिर्च आप इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। एक दफा हम इसमें अब नमक शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें सूखा धनिया शामिल करेंगे। मज़ेदार सी शिमला मिर्च हमारे तैयार हो चुकी है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपको सारियाँ दे और सारियाँ बाँटने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़।